नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज़ में। इसके सागर इस समय चौधरी विजेंद्र सिंह द्वार पर मौजूद है और हमारे पीछे कुछ लोग यहां पर हैं जो बहुजन समाज पार्टी के झंडे लिए हैं, भीम आर्मी के नारे लगा रहे हैं। इन सब लोगों का कहना है कि जो 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण में जो एक संविधान में जो दिया है उसके लिए यहाँ पे इन लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं, अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है ठीक नहीं है। इसके लिए हम चंद लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या है उनकी मंशा और क्या जानना चाहते हैं। मैं रमेश कुमार, बहुजन समाज पार्टी जिला तुगलकाबाद प्रभारी। जी, आज आप लोग यहाँ पे चौधरी विजेंद्र सिंह के सामने जो मूर्ति लगी है वहाँ पे खड़े हुए, क्या कारण है कि आप इतने जो है लोग यहाँ पे खड़े हुए आए हैं? आज भारत बंद का ऐलान बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने किया हुआ है। जो अभी 1 अप्रैल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है SC ST आयोग ST ST OBC के खिलाफ, उसके विरोध में आज भारत बंद है और हम अपना जा करके यहाँ से DC कार्यालय पर जाएंगे पैदल मार्च करते हुए और अपना विज्ञापन उनको देंगे। क्या है, क्या आदेश में क्या बुरा लग रहा है, क्या खामियां नजर आ रही है, क्या कमियां हैं जिसके खिलाफ आप लोग इस तरीके से सड़कों इसमें सारी कमियां अच्छाई तो हमें कोई नजर आती नहीं। पहले तो ये भाई, जब से देश की आजादी के 78 साल के बाद, पहले तो इन्होंने बैकलॉग का जो तमाम कोटा खाली पड़ा वो तक नहीं भरा और वो नहीं भर पाया तो दूसरा इन्होंने एक फंडा और निकाल दिया। और भाई, जो हमारे दूसरे समाज के जो साथी हैं जिनका पढ़ने लिखने में ध्यान बहुत कम है और किसी तरह से बहुजन समाज का एक तबका थोड़ा बहुत पढ़ भी गया है, उसको भी पूरा हक और अधिकार नहीं मिल रहा। और उस करके इन्होंने बहुत चालबाजी के साथ में जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आड़ में ये जो काम किया, आरक्षण पर कुरक्षाघात किया है, इसको बहुजन समाज पार्टी कति नहीं मानेगी और इसका जीत तोड़ विरोध करेगी। जैसा भी होगा इसका विरोध किया जाएगा बहुजन समाज पार्टी द्वारा। मेरा नाम गुरदयाल गौतम है, मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ तुगलकाबाद जिले से। और पार्टी का जो दिशा निर्देश हुआ है कि आप ये जो आरक्षण में वर्गीकरण और क्रिमी लेयर का जो सुप्रीम कोर्ट का एक विरोधी डिसीजन, बहुत मतलब इसके विरोध में डिसीजन जो आया है और हमारे हक अधिकार को छीनने की जो साजिश के तहत जो डिसीजन आया है, इसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की नेतृत्व हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश में आह्वान किया है कि सभी हमारे कार्यकर्ता इस देश में जो बंद का आह्वान हमारी जनता ने किया है, समाज ने किया है, हमारी बहुजन समाज पार्टी भी उसका समर्थन करेगी। बिल्कुल, वर्गीकरण में आपको त्रुटियां क्या नजर आ रही हैं, क्या कमियां नजर आ रही हैं कि आप वर्गीकरण को लेके इस तरीके की जो है सड़कों पे उतरना पड़ा है इसकी? हाँ, ये सड़कों पे तो हम सदियों से उतरते आ रहे हैं क्योंकि हक अधिकार आज से थोड़ी हमारे छीने जा रहे हैं, सदियों से छीने जा रहे हैं ये। तो आज भी जिन्होंने ये डिसीजन दिया उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितने दलित जज अब तक आए हैं या जितने भी हमारे बड़े बड़े संस्थान हैं उनमें हमारे IPS IAS डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने संस्थान हैं उनमें हमारे वाइस चांसलर कितने हैं OBC SC, तो इसकी समीक्षा आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करवाई होगी। लेकिन जो आज तक SC ST का कोटा ही आज तक पूरा नहीं हुआ, 22.5% में से मुश्किल से अगर SC ST का कोटा पूरा हुआ होगा, 10% हो गया होगा, 9% हो गया होगा, भाई बाकी का कोटा पूरा क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कभी भी समीक्षा के लिए पहल नहीं करी होगी, कोई भी गवर्नमेंट को क्या नाम है संकेत नहीं दिया होगा। जो भी SC ST की लिस्ट बनी है, SC ST की जो लिस्ट बनी है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनी गई है और उसको बनाने की जो ताकत या जो भी अधिकार है वो सिर्फ पार्लियामेंट को है और पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर, वो गवर्नर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट उस लिस्ट को बनाता है और उस लिस्ट में तब्दीली करने की किसी की कोई अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बिना किसी आंकड़े के भाई इन लोगों में से कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं तो उनको क्रीमी लेयर में लेकर के आओ या उनका आरक्षण बंद करो और जो पीछे रह गए हैं उनको आरक्षण दो, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो लोग आरक्षण लेकर के और कुछ हद तक कहीं सरकारी दफ्तरों में पहुंच गए हैं, प्रतिनिधित्व मिल गया है, उस प्रतिनिधित्व को खत्म करने की एक साजिश है ये। अच्छा, अब जो लोग अभी अशिक्षित हैं, जो गरीब हैं, सरकार उनको विशेष सुविधाएं दे, उनको अच्छे शिक्षण संस्थानों में लेकर के जाए,
और उनको अच्छी शिक्षा देकर के उन्हें योग्य बनाए और उस कोटे में से उन्हें कंपटीशन में आने की इजाजत दे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया था केंद्र सरकार को कि आप इस तरीके का कानून में क्रिमिनल लेयर के आप ना सकते, उसी समय कैबिनेट की मीटिंग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, मना कर दिया कि यह लागू नहीं होगा, फिर इसके बाद ये क्यों? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तो दोहरी चाल चल रहे हैं। उन्होंने वहाँ कृष्णा मदिका को आंध्र प्रदेश में उकसाया कि भाई ठीक है तुम आंदोलन खड़ा करो कैटेगराइजेशन का, और उसको अपने मंच पर लेकर के आए और उसको वायदा किया कि मैं क्रिमी ये जो कैटेगराइजेशन है उसको करा के रहूंगा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं एक पीछे की साठगांठ हमें नजर आ रही है न्यायपालिका की और सरकार की, कि जो संवैधानिक मुद्दे हैं सुप्रीम कोर्ट में सालों से लंबित हैं उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये संवैधानिक मुद्दा भी है और राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे को सुपरसोनिक स्पीड से सुप्रीम कोर्ट ने बस एक हफ्ते की सुनवाई के बाद तय कर दिया है, इतने बड़े महत्व के मुद्दे को तय कर दिया। तो ये जो एक साठगांठ सरकार की और न्यायपालिका की लग रही है हम लोगों की बहुजनों की ताकत को तोड़ने की, क्योंकि ये इन लोगों की ताकत जो है बहुजनों की जो ताकत है जो संख्या बल है वो इस लोकतंत्र में सत्ता की तरफ बढ़ सकता है, और सत्ता की तरफ बढ़ने से पहले इनको टुकड़ों में तोड़ दो ताकि इनके बीच में ही एक द्वेष फैल जाए, इनके बीच में वैमनस्य फैल जाए, नफरत की भावना फैल जाए और ये एकजुट ना हो पाए और सत्ता ना ले पाए और सत्ता जो है सवर्णों की पापोती बनी रहे, ये उनका एक मकसद है, मतलब फूट डालो और शासन करो। क्या लग रहा है वकील साहब, अभी दो दिन पहले ही खबर आई कि लेट एंट्री के तरह सचिव और उपसचिवों की सीधी भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें तमाम जो नाम देखने को मिले हैं वो सबके सब सवर्ण कास्ट के, कोई भी उसमें एससी एसटी ओबीसी का एक भी नाम नहीं है, पूरी लिस्ट खंगाल के देख लीजिए। तो इस तरीके की ये लेटर लेट एंट्री के थ्रू लोगों की भर्ती कर रहे हैं तो उसका क्या मनसा है? शासन भी अपना और प्रशासन भी अपना, ठीक है, उनका मकसद है शासन भी अपना, भाई शासन ले लेंगे वो हमारी वोट लेकर के और प्रशासन ले लेंगे लेटरल एंट्री ला करके, तो शासन भी अपना और प्रशासन भी अपना और आपको ठेंगा दिखा देंगे, तो ये उनका एक मकसद है। और साथियों अगर आप लोगों ने यहाँ आंदोलन नहीं किया, बहुजन आंदोलित नहीं हुए, तो ये जो आरएसएस है इस देश में सवर्णों का ही वर्चस्व स्थापित कर देगा। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।